और ये तसव्वुर की आंखें और ये झुकती निगाहें ये पूछती हैं मुझसे, खता क्या है मेरी, तुम ही अब बता दो सजा क्या है मेरी। ये मैंने तब लिखा था जब एक होता है ना फॉर्मेलिटी वाले जब रिप्लाईज आते हैं, और हम ना फॉर्मेलिटी वाले रिप्लाई किसी से भी हम लोग चलेगा, कोई भी हमें कर दे तो चलेगा, लेकिन जब कोई खास इंसान से जो जिसको हम चाहते हैं अपनी बातें बताना, और उससे जब हम वो बातें नहीं कर पाते और वो पूछते हैं कैसे हो, हम ठीक है, आप कैसे हो, वो भी ठीक है, और वो है जब ऐसे से रिप्लाई करते ना, तो फिर एक उनके लिए हमें अच्छा नहीं लगता। तो उस पर ही मैंने लिखा था ये कि ये गुर्बतों की दूरी भी एक रोज़ ख़त्म ना हो जाए, कि ये नज़दीकियों की दूरी भी एक रोज़ ख़त्म ना हो जाए, ना बहने वाले अश्क एक दिन मुझे रुला ना जाए, कि ये उल्फत रफाकत फुरकत तो दूर की बात जनाब, उफ ये तकल्लुफ की बातें एक रोज़ हमारी जान ना ले जाए, और उफ और इस तकल्लुफ से ये फॉर्मेलिटी पर भी मैंने एक ऐसा लिखा था कि वो लोग पूछते हैं आपसे हे कैसे हो, तो हुआ कुछ यूँ कि 15 मैसेजेस और 20 इग्नोर कॉल्स के बाद उन्होंने भी पूछा हमसे हाल हमारा। एक पल के लिए मन किया कि बोल दो क्या आज सच, वरना झूठ तो हमेशा बोल ही देते हैं, हम बढ़िया आप बताइए कैसे हैं आप। मन था हमारा, मन था हमारा ये कहने का क्या करोगे जान के, क्या करोगे जान के हाल हमारा, क्योंकि तुम तो एक मैसेज करके फिर से ऑफलाइन हो जाओगे और हम फिर से आपके नेक्स्ट मैसेज के इंतजार में घड़ियां गिनते रहेंगे। कभी मिले तो बताएं आपको क्या हाल है हमारा, कभी दिखे तो दिखाएं आपको कितना दर्द है दिया हुआ तुम्हारा, पर नहीं बोला, नहीं बोला आज भी कुछ, बोल दिया वही घिसा पिटा झूठ हमारा, हम बढ़िया आप बताइए कैसे हैं आप। और एक यूँ शेर लिखा था कि बदलते मिजाज के ऊपर मैंने ये शेर लिखा था कि बदल गए हैं मिजाज उनके, कि बदल गए हैं मिजाज उनके, अब वो हमें हमारे नाम से पुकारा करते हैं, कहते हैं सब ठीक है मगर अब वो हमें अनजान से लगते हैं, या खुदा दिल दुखा तो मेरा भी था प्यार मेरा क्यों ना बदल सका। और ये मैंने एक यूँ लिखा था कि एक होता है ना जब एक ये नज्म मैंने लिखने की कोशिश की थी, मेरी पहली नज्म थी, और इस नज्म के ऊपर बैकग्राउंड ये है कि जब जब एक रिश्ते में सब कुछ है, प्यार है, अहमियत का एहसास है, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग सा हो जाता है, मतलब तो कुछ कुछ ना कमी रह जाती है, और फिर उसको समझ नहीं पाते या समझते हैं लेकिन हम समझना नहीं चाहते, और एक पल एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हम बोल देते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग नाउ, लेट्स ब्रेक अप, वी शुड मूव ऑन। तो अगर वो शायर एक किसी शायर का दिल हो और वो शायर अगर उस गम में अगर टूटा हो तो वो क्या बोलेगा अपने महबूब को, अपने अपने उसको वो क्या बोलेगा। तो उस पर मैंने एक ये नज्म लिखी थी कि ये तसव्वुर की आंखें, ये तसव्वुर की आंखें, ये झुकती निगाहें, ये पूछे ये हमसे खता क्या है मेरी, तुम ही अब बता दो सजा क्या है मेरी। गर कर ही लिया है बिछड़ने का इरादा, गर कर ही लिया है बिछड़ने का इरादा, तो फिर घबराना कैसा, ये गमे उल्फत मनाना कैसा, अगर रजा है तुम्हारी तो खत्म करे क्या अब ये कहानी, आंखों में अब अश्क न लाना जाने वफा, तुम्हारी सजा भी एक जजा है हमारी, हो सके तो एक एहसान हम पर करना, नजर में अगर आए कभी देख हमें नजरअंदाज ना करना, हम कोई दुश्मन तो नहीं, समझ लेना किसी अनजान को तुमसे मोहब्बत ही सही, मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही, शायद मेरी खता तुम्हारी मोहब्बत से भी थी बड़ी, अब इस खता के लिए सजा अगर मौत भी है तो कोई गम नहीं सजा जो हमें हमारी मोहब्बत की मिली, दिल में मेरे कोई गिले शिकवे ऐसे जहन में ना लाना कभी, दिल में मेरे कोई गिले शिकवे ऐसे जहन में ना लाना कभी, तुम मेरी मोहब्बत हो जाना और मेरी मोहब्बत कभी गलत हो ही नहीं सकती, हाँ बस कुछ नाराजगी है तुमसे भी और खुद से भी, हम इस रिश्ते को एक और मौका दे ना पाए, प्यार होते हुए भी इस रिश्ते को बचा ना पाए, अपने गुरूर को इश्क के सामने गिरा ना पाए, कह तो रहे अलविदा तुम्हें तुम्हारी हालात पर छोड़कर, पर अब न जाने कब किस किस मोड़ पर तुम्हें यूं किसी और के साथ दे के जिस्म से ये जान भी निकल जाए, पर अब तुमसे बिछड़ने के बाद तो मौत ही होगी मेरी आखिरी दवा, तो अब तुम जहां भी रहो खुश रहो, बस अब दिल से निकलती है यही दुआ, और ये तसव्वुर की आंखें और ये झुकती निगाहें ये पूछती हैं मुझसे खता क्या है मेरी, तुम ही अब बता दो सजा क्या है।